पूरी दुनिया में 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, और जिसका मकसद होता है कि यूथ को अवेयरनेस देनी, यूथ की अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करनी, और यूथ के जो पोटेंशियल बैरियर है यहाँ पर हमें फेस करने पड़ रहे हैं। और इस सिलसिले में जो साउथ एशिया है ये पूरी दुनिया में एक लीड पोजिशन में है, क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया में तकरीबन 50% से ज़्यादा यंग लोग हैं जो 30 ईयर्स ऑफ एज से कम है, और उसमें खसूसी तौर पर इंडिया में 52% लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 63% लोग हैं जिनकी एज 30 ईयर से कम है, और अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो वहाँ पर भी तकरीबन 60% हैं। तो जो साउथ एशिया है ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ है, उनके पास पोटेंशियल है, और इसके साथ यूनिसेफ ने एस्टिमेट किया है कि साउथ एशिया में हर दिन 1 लाख नए यंग लोग लेबर मार्केट में आ रहे हैं, और ये 2040 तक साउथ एशिया दुनिया की सबसे बड़ी लेबर मार्केट होगी जहां पर सबसे ज़्यादा यंग लोग होंगे, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लोग होंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 54% जो यंग लोग हैं साउथ एशिया के, वो जब मार्केट में लेबर मार्केट में एंटर होते हैं तो उनके पास जो रिक्वायर्ड एजुकेशन होती है, जो रिक्वायर्ड स्किल होती है, जो रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए होता है वो नहीं है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और स्पेसिफिकली यूथ को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि हमारे आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फील्ड में जाते हैं, उनके पास वो स्किल ही नहीं होती, उनके पास वो डेडिकेशन ही नहीं होती, उनके पास वो प्रोफेशनल एटीट्यूड ही नहीं होता। इसी सिलसिले में पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उस हवाले से हम यूथ के क्या बैरियर्स हैं, यूथ के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किस तरह हम आने वाले दिनों में अपने यूथ को अपनी सोसाइटी का एक्टिव मेंबर और एक एजेंट ऑफ चेंज के तौर पर लेके आ सकते हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कुलीग हैं प्रोफेसर यासर फारूकी साहब। ये कोई एक दहाई से ज़्यादा अरसे से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अपने जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, और इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ये स्किल है कि ये एक रॉ स्टूडेंट को इस तरह पॉलिश करते हैं कि वो हीरा बना देते हैं, ये इनके पास स्किल है। और इन्होंने पिछले एक दहाई से ज़्यादा अरसे में हज़ारों स्टूडेंट की जो लाइफ है उसको चेंज किया है, उनका माइंडसेट चेंज किया है, उनको एक सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनाया है। तो आज यूथ डे के हवाले से मेरे पास जो सबसे एक जो यूथ को किस तरह हम मोल्ड कर सकते हैं, इनके क्या इशूज़ हैं, सबसे रेलिवेंट जो बंदा है प्रोफेसर फारूकी साहब, हम इनसे बात करेंगे कि हमारे यूथ को किस तरह हम अपनी सोसाइटी में और स्पेसिफिकली साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां पर यूथ पोटेंशियल अवेलेबल है किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इस सिलसिले में उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में जो मोर देन 50% स्टूडेंट हैं, जो यूथ हैं, इनके पास स्किल नहीं है, इनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इनके पास वो वर्किंग एप्टीट्यूड भी नहीं है। तो इसी सिलसिले में हमारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर दीमुल हक साहब भी कहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये लोगों को रोज़गार दे सके। तो उसी सिलसिले में हम प्रोफेसर साहब से पहला ये बात करेंगे, पहला ये क्वेश्चन इनसे इनके आगे रखेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे यूथ के पास अगर पोटेंशियल नहीं या ये परेशान है या डिस्टर्ब है तो उसमें कौन कौन से जो बैरियर हैं वो हैं जिनकी वजह से ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समी साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस डिस्कशन में शरीक हूं और अपनी एक कंट्रीब्यूशन दे सकूं यूथ डेवलपमेंट के हवाले से। तो बहुत अच्छी बातें आपने की, कुछ बैरियर्स का जिक्र आपने पहले ही कर दिया, जैसे हमारी एजुकेशन और स्किल सेट की आपने बात कर दी। तो वी डू हैव दैट इनसफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल सेट, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक ऑलमोस्ट एक सिमिलर स्टेज पर खड़े हैं। इंडिया को हम थोड़ा सा ज़रा बेहतर कंसिडर इसलिए कर सकते हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे सिस्टम से बेहतर आउटपुट जनरेट कर रहा है। बुनियादी जो एक बैरियर है वो तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आ गया, जो कि रट्टा सिस्टम के ऊपर आपको बिलोंग करता हुआ नज़र आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम किस तरह से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किताबें देंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको याद करवा देंगे और उसकी बिना के ऊपर उनसे एग्जामिनेशंस में GPA का स्कोर दिलवा देंगे। GPA का स्कोर कभी भी किसी स्टूडेंट के सक्सेसफुल होने की ज़मानत नहीं बनता, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। दूसरी चीज़ जो है वो है एनवायरनमेंट, कि हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव नहीं है यूथ के हवाले से कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते और वो ट्रस्ट
का ना होना भी कंट्रीब्यूट करता है कि हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होती कि वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में जंप इन कर सके। देन एक कुछ हद तक जो मेरे बैरियर मेरे जहन में नज़र आता है वो है इकोनॉमिक बैरियर भी, कि हमारे पास जो फाइनेंस है वो मौजूद नहीं होता। हम ज़्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उसको 2-4 लाख रुपया भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट चाहिए है तो वो बाप से पूछेगा और बाप शायद इतने पैसे प्रोवाइड ना कर सके। सो वो इकोनॉमिक बैरियर, या उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना सपोर्टिव नहीं है कि हम यूथ के ऊपर ट्रस्ट करते हुए उनको बेनिफिट दे सकें। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश और ग्रामीण बैंक के हवाले से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर यूनुस की, तो दे प्रोवाइडेड वेंचर कैपिटल के जो हमारे पास लोग हैं, जो गरीब तबका है उसको पैसे प्रोवाइड किया जाए और वो कंट्रीब्यूट करे इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो वो सेटअप हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्मॉलर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के लिए उतने सपोर्टिव नज़र नहीं आते। फिर रेलिवेंट नेटवर्क्स का ना होना, और एक सबसे बड़ी चीज़ कि हम इंस्पायर होते हैं, हमने किसी सक्सेसफुल बंदे को देखा और हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो रोल मॉडल्स कहला रहे हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में स्पेसिफिकली जो यूथ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें उस तरह से रोल मॉडल्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से शायद हम उन बैरियर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे। जी, जिस तरह प्रोफेसर यासर फारूकी साहब ने बताया है कि हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चे की स्कूलिंग से शुरू हो जाते हैं, हमें स्कूलिंग से ही क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मूव करना होगा, हमें स्कूलिंग से ही उसका ऐसा एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा कि उसने आगे जाके कम्युनिटी में किस तरह वर्क करना है, किस तरह सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, किस तरह इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को सामने रखना है और किस तरह उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वो एडजस्ट करना है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास जिस तरह बताया कि वी हैव मोर देन 50% यंग पीपल और अप टू 2040 हमारे पास ये नंबर बढ़ता जाएगा, हर साल हमारे नए लोग लेबर मार्केट में आएंगे और शायद इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी लेबर मार्केट है वो साउथ एशिया है, क्योंकि इसमें इंडिया के पास अगर तकरीबन 1 बिलियन के नज़दीक जो यंग लोग आ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी आउट ऑफ 220 मिलियन पॉपुलेशन हमारे पास 62% यंग हैं। इस तरह बांग्लादेश की भी सिचुएशन ऐसी है। तो हम किस तरह इस यूथ को एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया है कि डॉक्टर नदीमुल हक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर कहते हैं हमारे पास हमारे यंग लोगों को देने के लिए जॉब्स नहीं है, साथ ही वो कहते हैं हमारी क्वालिटी एजुकेशन इतनी लो है कि इस लो क्वालिटी एजुकेशन पे हम इनको जॉब दे भी नहीं सकते, और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो जॉब की मार्केट है वो बहुत थोड़ी है, शायद हम चंद परसेंट लोगों को दे सके। और पाइड की ही एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में नियरली 50% यूथ अनएम्प्लॉयड है, और उस सिलसिले में हमें हमारे पॉलिसी मेकर को बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो इतना यूथ का पोटेंशियल है इसको हम किस तरह यूज़ करके अपनी सोसाइटी की, अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं दूसरा और आखिरी क्वेश्चन प्रोफेसर यासर फारूकी साहब से ये करूँगा कि किस तरह हम अपने यंग लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ डिवेलप कर सके, क्योंकि अगर हमारा हर बच्चा एंटरप्रेन्योरल स्किल के साथ पैदा होता है, उसको स्कूलिंग से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक एंटरप्रेन्योरशिप का उसका एप्टीट्यूड डिवेलप किया जाए, यकीन करो हमारे इस रीजन में लोग हायर करने के लिए लाइन में खड़े हों लेकिन जॉब करने वाला कोई बंदा ना मिले। तो इसलिए हमें एप्टीट्यूड किस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह ये जो ट्रेंड है इसको हम सेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास यूथ को सेटल करने का, यूथ को स्टेबल करने का और यूथ को प्रमोट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम सर से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, जिसमें इनकी एक्सपर्टी भी है कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को एक एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी बना के यूथ को कम्युनिटी में एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समी साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और उस सवाल में कुछ जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो भी बहुत वैल्यूएबल थी। जैसे आपने कहा कि ये जो डेफिशिएंसी है हमारी यूथ में ये स्कूलिंग से ही स्टार्ट हो रही है, ये मेरे ख्याल में शायद मेरी अपनी सोच और समझ के मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि क्या हम किसी बने बनाए को तब्दील कर सकते हैं। तो हमें जवाब मिलता है कि नहीं। जब हम बना रहे होते हैं उस चीज़ को शेप अप करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो किसी शेप में आ जाती है तो फिर उसको तब्दील करने के लिए भाजपा उसको तोड़ना पड़ता है।
तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि हमें स्कूलिंग के लेवल के ऊपर वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है, चलें वो बैचलर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और मैं उससे सवाल पूछता हूँ कि बेटा ये MBA करके BBA करके तुम क्या बनोगे, तो वो कहेगा मैं बैंकर बन जाऊंगा, मैं ये नौकरी कर लूँगा, मैं वो नौकरी कर लूँगा। तो फिर मुझे उसको ये समझाना पड़ता है कि बेटे आप किस डिसिप्लिन में हो, आप मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो। तो हमारा माइंडसेट बन चुका है कि हमने नौकरी करनी है, और हम जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ हैं उसको शायद उतना अच्छा समझ नहीं पाते। तो ये अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें बेसिक लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो स्कूलिंग हो सकती है, वो इंटरमीडिएट कॉलेज का लेवल हो सकता है, जहाँ पे वो स्किल सेट बच्चे को जो किसी एंटरप्रेन्योर को चाहिए है उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसको फिर लर्न करवाने की कोशिश करें। तो ये डॉक्टर समी साहब आपकी बात से ही मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ गई, जिसमें से एक का मैंने जिक्र कर दिया। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हम कहते हैं मेंटर। हु इज़ अ मेंटर, जो किसी को कुछ बता सकता है, समझा सकता है। तो ये हमारा जो जनरेशनल गैप है उसको भी कम कर सकता है। अगर हम फॉर्मल मेंटरिंग प्रोग्राम में अपने आप को लेकर आते हैं तो वो फॉर्मल मेंटरिंग प्रोग्राम जो एक यूथ का और हमारी पुरानी जनरेशन का गैप है उसको भी रिड्यूस करने में हमें हेल्प कर सकता है। मेरे जहन में जो कुछ चीज़ें आती हैं वो बुनियादी तौर पे इस मेंटरिंग को बहुत और चीज़ों से रिलेट करती हैं। जैसे एक चीज़ मैं कहता हूँ कि वो जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन कौन इंड्यूस करवाएगा उसको, वो मैं आप मिलकर करवा सकते हैं, यूथ करवा सकती है। वो है कि यूथ सेंट्रिक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाए, जहाँ पर हम इस एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। देन इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें एक्सपीरियंस में भी हैं, जैसे बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हुए नज़र आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो रोल, जो ऑब्जेक्टिविटी है, शायद किसी भी वजह से वो उसको इस तरह से अचीव नहीं कर पा रहे। सो पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर जो गैर फ़ाल चीज़ें हैं उसको बेहतर किया जाए। दूसरी बात ये है कि क्या हमें सिर्फ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स को यूनिवर्सिटीज़ तक महदूद रखना चाहिए या हमें इसको स्प्रेड करना चाहिए। तो मेरे जहन में जो चीज़ आती है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है, हमारे पास प्रोविंशियल लेवल्स आ जाते हैं, फिर हर जैसे आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स नज़र आते हैं, जैसे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली कॉमर्स एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो हम BICs को यहाँ तक स्प्रेड करने की कोशिश करें कि ना कि सिर्फ उसको यूनिवर्सिटीज़ पर रखें। सो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और देन इसी के थ्रू जो हमारे पास सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं डिफरेंट अपने बिजनेस प्लान्स के थ्रू, तो वहाँ पे हम सीड वेंचर कैपिटल भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। वो हमारा यूथ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, बैंक्स के साथ सपोर्ट के साथ हम उस सिस्टम को मुतारिफ करवा सकते हैं कि जहाँ पे हम अपने बच्चों को, जहाँ वो सक्सेसफुल होते हुए नज़र आते हैं, उनकी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स को हम पूरा कर सकें। और देन एक बुनियादी चीज़ कि हम वर्क स्पेस और नेटवर्किंग के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं, और इवन सब्सिडाइज्ड वर्क प्लेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे फॉर इंस्टेंस इस एक बिल्डिंग में 50 ऑफिसर्स बन गए स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स के, और वो सब्सिडाइज रेट पे मुझे ऑफिस भी मिल गया, सो आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड। और उसी बिल्डिंग में मौजूद मेंटरिंग प्रोग्राम भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इस ब्रिज को भी हम बना सकते हैं। जी प्रोफेसर फारूकी साहब, जिस तरह आपने एक कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन की कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, किस तरह हम यूथ को चैनलाइज कर सकते हैं, किस तरह यूथ को उनका पोटेंशियल जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अहम चीज़ ये है कि यूथ को भी अपने इश्यूज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, यूथ को भी अपने पोटेंशियल की अवेयरनेस होनी चाहिए, और यूथ को भी अपने जो उनके मामलात चल रहे हैं उसको एक प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जिस तरह साउथ एशिया में या पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में मोर देन 50% यंग लोग हैं, लेकिन यंग लोगों की आवाज़ कहीं भी नहीं उसकी सुनवाई दी जा रही। अगर आप मीडिया पर जाएँ तो हमारे पास 50% यंग लोग हैं, मीडिया पर आप कभी 10% टाइम भी यंग लोगों को नहीं देते। प्रिंट मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया पे आपने कभी भी उस पर कोई स्पेशल एडिशन ही यूथ पे नहीं देखा होगा। या आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन आप ट्विटर पे भी जाके ये टॉप ट्रेंड नहीं बनेगा स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें। इंडिया में शायद यूथ की अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा बेहतर है, इसलिए यूथ को सबसे पहले अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और ये अपने राइट्स के लिए खुद आवाज़ बुलंद करें। उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म उनके पास सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पर जाके अपने इश्यूज़ पर बात करें, वहाँ पर आपके यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वहाँ पर यूथ के साइकोलॉजिकल इशू की बात
करें, वहाँ पर यूथ को जो बैरियर हैं उन पर बात करें, ताकि यूथ के जो इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट इनको पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल करें, यूथ के जो इश्यूज़ हैं इनको करिकुलम में डेवलप किया जाए, यूथ को जो स्किल चाहिए वो इनको फ्री प्रोवाइड की जाए या सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड की जाए, और आखिरी चीज़ कि जिस तरह कोविड के बाद दुनिया का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो यूथ को भी अपने आप को थोड़ा मोल्ड करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उनकी जो डेवलपमेंट है, जो करिकुलम है, जो कोर्सेज हैं, वो उस तरह के डिज़ाइन होने चाहिए ताकि हमारा यूथ कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में जाके इसको ग्रैब कर सके। अदरवाइज हमारा जो यूथ जिस तरह मोर देन 50% है एशिया की, जो साउथ एशिया की लेबर मार्केट है, ये दुनिया की लीड मार्केट है, लेकिन ये क्राइसिस में है। ये क्राइसिस ख़त्म करने के लिए हमें यूथ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।